वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट डे हमने कोरल ड्रॉ की इंट्रोडक्शन को समझा था कि कोरल ड्रॉ में हम क्या क्या काम करते हैं और कोरल ड्रॉ के जो कंपोनेंट्स हैं उसके जो इन्वायरमेंट है काम करने का, टाइटल बार, उसका मेनू बार, उसका जो रूलर्स थे, उसका जो स्टेटस बार कहाँ पे है, टूल बॉक्स कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों को हमने कल एक बार रिव्यू किया था। ठीक है, आज हम कोरल ड्रॉ के जो टूल बॉक्स है को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रॉ के टूल बॉक्स से। डिफाइन टूल बॉक्स। द टूल बॉक्स कंटेन वेरियस टूल्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब देखो ना, कल मैंने आपको बताया था कि जो टूल बॉक्स के अंदर जो टूल्स हैं वो बॉक्स के अंदर जब तक है वो टूल्स हैं। जैसे हम पिक करेंगे, उनको ड्रॉ करेंगे ड्रॉइंग पेज के ऊपर, तो वो बन जाएंगे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, द टूल बॉक्स कंटेन various tools for objects such as pick tool, pick tool है इसके अंदर, एक shape tool है जिससे हम object की shape बदलेंगे, crop tool है, crop tool से हम किसी भी object की cropping कर सकते हैं, चाहे वो picture हो चाहे वो कोई bitmap या vector object हो। ठीक है, zoom tool है zooming के लिए, free hand tool है, artistic बने बनाई हुई एक media भी है इसके अंदर, पहले से ही artistic media tool है, रेक्टेंगल टूल है, एलिप्सिस टूल है, पॉलीगोनल टूल है, टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल है, डायमेंशनल टूल्स हैं, शेडो टूल है, और ट्रांसपेरेंसी टूल भी है। ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी करनी हो इसमें तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट टूल भी है, कलर आई ड्रॉपर भी है, स्मार्ट फिल्ट कलर टूल भी है, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन ऑब्जेक्ट्स। इन सारे के सारे टूल्स को एक बार आज हम देखेंगे कि कौन से टूल से किस तरह की वर्किंग है। ठीक है, और फिर एक एक करके इन टूल से क्या क्या काम हम कर सकते हैं उनको समझेंगे नेक्स्ट। ठीक है, वी कैन ऑल्सो चेंज दीज टूल्स बाई क्लिकिंग द फ्लाई आउट एरो। हम इन टूल्स को चेंज भी कर सकते हैं बाई क्लिकिंग द फ्लाई आउट एरो। एक फ्लाई आउट एरो भी बना हुआ है इन टूल के साथ, जिसके अंदर एक ही टूल के साथ उसके डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं टूल्स की। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बाहर टूल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ वही टूल्स हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरीज भी हैं अलग अलग काम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कोरल ड्रॉ को और इन टूल्स की एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए टूल बॉक्स में से। ठीक है, ये हमारी कोरल ड्रॉ 2020 64-bit एप्लीकेशन वर्जन है। थोड़ा सा एडवांस वर्जन है इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में। ठीक है, तो इसकी जो वेलकम स्क्रीन है वो हमारे पास आ गई है। नया डॉक्यूमेंट हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं पहले की। ठीक है, और यहाँ से भी नया डॉक्यूमेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट ब्लैंक। यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट का, कोरल ड्रॉ का जो भी है, चाहे इसका नाम हम प्रोजेक्ट टू रख लेते हैं इसका नाम। इसका जो प्री सेट है वो सेम वैसे ही रहने देते हैं जैसे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉप पेजेस जैसे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो इसका जो कलर मोड है वो CMYK रहने देते हैं। पेपर का साइज ठीक है, विड्थ ठीक है, हाइट ठीक है, ओरिएंटेशन चाहे तो हम ये वाली ले सकते हैं लैंडस्केप वाली। ठीक है, 300, और बाकी जो कलर सेटिंग है वो सेम ऐसे ही रहने देते हैं। जैसे वो प्रोफेशनल जो होते हैं वो प्रोफेशनल ज़्यादा इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो प्रोफाइल्स हैं जैसे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हमें समझ आ जाता है, वर्किंग समझ आ जाती है, फिर इनको हम अपने हिसाब से कन्फिगर या कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कर देंगे ओके। तो हमारे पास इस तरह से आ गया ये ड्राइंग पेज है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा पिक टूल। ठीक है, पिक टूल काम करेगा हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, पिक टूल और इन टूल्स के अलावा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे के सारे जो है इन टूल से हम वर्किंग करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। इससे नीचे सारे ऑब्जेक्ट हैं ये जिनके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, इनसे जो कुछ मतलब इनसे बनता है, इन सारे के सारे जो भी टूल्स हैं इनसे कोई ना कोई चीज़ बनती है, और उन चीज़ों के ऊपर मॉडिफिकेशन का काम इन टूल से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम यहाँ से, रेक्टेंगल टूल। ठीक है,
रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ड्रॉइंग पेज के ऊपर। ठीक है, अब काम करते हैं हम पिक टूल से। ठीक है, ये हमारा पिक टूल, पिक नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए ये, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है ना, अभी मान लो हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट है, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक और यहाँ पे पॉलीगोनल ले लिया हमने, ये ड्रॉ कर दिया। अब पिक टूल का काम होता है इनमें से उस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने काम करना है उसको पिक करना। जैसे मान लो इसके ऊपर काम करना है तो ये तो सिलेक्टेड ही है, मान लो इसके ऊपर नहीं हमने काम करना है, इसके ऊपर काम करना है, तो पिक टूल का काम होगा पिक करने का उस ऑब्जेक्ट को जिसके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, उसी का कलर चेंज होगा जिसको हमने सिलेक्ट करना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट किया हमने तो उसी के ऊपर काम होगा, इसी का ही कलर चेंज होगा, यानी कि पिक का काम होगा ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन का काम। ठीक है, अब मैं इसको अनडू कर देता हूँ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल। अब इसके ऊपर ही हम बाकी सारे टूल्स की वर्किंग को समझते हैं, थोड़ा सा ही रिव्यू करेंगे हम, बाद में डिटेल में करेंगे क्या बनता है और कैसे बनाते हैं उनको। ठीक है, थोड़ा बहुत हम टूल्स की जो भी मैनुअल फंक्शनिंग है, उनकी जो वर्किंग है, उनको हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, पिक टूल्स का तो काम आपको पता चल गया कि पिक करने का है। इसके अंदर मैंने बोला कि फ्लाई आउट एरो बना हुआ है, ये है फ्लाई आउट एरो, इसको बोलते हैं फ्लाई आउट एरो। इसके अंदर ये देखो फ्री हैंड पिक भी है और फ्री ट्रांसफॉर्मेशन भी है इसके अंदर। ठीक है, फ्री हैंड पिक भी यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना, तो उन ऑब्जेक्ट में से हमने मल्टीपल ही सिलेक्ट करने हैं। मान लो जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है, एक क्राइटेरिया के अंदर अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो हम यूज करते हैं यहाँ से फ्री हैंड पिक। ठीक है, ये फ्री हैंड पिक है। इस तरह से हमने बाहर माउस से यहाँ पे क्लिक करना होता है, जैसे मान लो आधे ही हमने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, तो ये इस तरह से एक क्राइटेरिया सा बना देता है कि हमने इतने से सिलेक्ट करने हैं। तो देखो ये लिया इसने यहाँ से, यहाँ तक ये सिलेक्ट किए टूल्स, और उनके ऊपर ही वर्किंग चलेगी। फिर अगर इनको हम पिक करके निकालेंगे तो वही निकलेंगे बीच में से, उन्हीं का ही कलर चेंज होगा। ठीक है, एक स्पेसिफाइड फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन बना रहा है ये, यहाँ से लेके इसने जो भी सिलेक्ट किए उन्हीं को, दो ही टूल्स ये सिलेक्ट किए इसने और इन्हीं के ऊपर भी वर्किंग करेगा। ठीक है, ये फ्री हैंड ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं इसको अनडू कर देता हूँ। ठीक है, अगले टूल्स को टूल की वर्किंग समझने के लिए। ठीक है, ये पिक के अंदर था फ्री हैंड पिक। अब उसके बाद आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का काम होता है ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसका रूप ही बदल देना, ट्रांसफॉर्म ही कर देना। ठीक है, उसका रूप बदलना, तो इसका काम होगा फ्री ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक किया तो इसका जो साइज है ये देखो, इसकी साइड भी चेंज हो रही है, साइज भी बदल रहा है, रूप बदल रहा है, मतलब ये देखो उल्टा कर दिया ऑब्जेक्ट को, ये नीचे को है, ये ऊपर को कर दिया ऑब्जेक्ट हमने, तो ऊपर को हो जाएगा। माउस से बस क्लिक ही करनी है हमने और माउस को मूव करना है ऊपर नीचे। ठीक है, ये साइड से किया तो साइड को हो गया, साइड को किया तो साइड को हो गया, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये साइड को बदलना था, इसको यहाँ पे चला गया, इधर हो गया, इसकी जैसे मर्जी रूप बदल लो उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फिर जैसे था वैसे हम वहाँ पे आ गए। तो ये है हमारा पिक टूल का काम, ऑब्जेक्ट को पिकिंग करने का, ऑब्जेक्ट को पिक करने का। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आता है हमारा शेप टूल। ठीक है, ये शेप टूल है और शेप के अंदर ये फ्लाई आउट एरो बना हुआ है, इसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं शेप के लिए। ठीक है, स्मूथ है, स्मीयर है, ट्विल है, अट्रैक्ट एंड रिपल है, स्मज है, रफन है। ठीक है, इन टूल्स के हिसाब से की हम वर्किंग समझेंगे, लेकिन शेप का देख लेते हैं कि कैसे ये शेप बदलता है। जैसे मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो इसकी हमने शेप बदलनी है, तो वो भी स्पेसिफाइड कॉर्नर से बदलनी, तो उस कॉर्नर के ऊपर इस तरह से माउस से हम डबल क्लिक कर देंगे, सिर्फ वही कॉर्नर जो है वो ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, साथ में दबा देते हैं शिफ्ट, अब ये ही दो कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट हुए। ठीक है, अब देखो मैं एक को ड्रैग करूंगा और ये पूरी की पूरी शेप बदलेगा अपनी। ठीक, इस तरह से ये अपने शेप बदलता है
और इसके अंदर हमारे यहाँ तरह तरह की कैटेगरीज हैं शेप की भी, इसकी वर्किंग जो है वो जितना हम प्रैक्टिकली करते हैं वैसे यार हमें समझ आता जाता है शेप टूल का काम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्रॉप टूल। ठीक है, क्रॉप टूल की आपको पता ही है, क्रॉपिंग करना, काट छांट करना, कितना पोर्शन चाहिए उतना लिया। और इसके अंदर भी देखो नाइफ है, वर्चुअल सेगमेंट है, इरेजर है। ठीक है, तो हर एक टूल की वर्किंग समझेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने मान लो यही पोर्शन चाहिए तो वही क्रॉप कर दिया इसने। ठीक है, ये क्रॉप टूल का काम होगा और ये भी अलग अलग तरीके से काम करेगा। नाइफ है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट है, इरेजर है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पे हम पर्टिकुलर काम करेंगे ना प्रोजेक्ट पे, तब हमें ये समझ आ जाएंगी सबकी वर्किंग। अभी देख लेते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी वर्किंग है ना ये। अब इसके बाद है जूम टूल, जूमिंग का काम, जितना मर्जी जूम कर लो इसको। ठीक है, और वापिस होना हो तो फिर क्लिक पे वापिस। ये काम है हमारे जूम टूल का काम। ठीक है, फेस हमारा, इस पे हम काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है ये वाला फ्री हैंड टूल, इसकी भी वर्किंग हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, उसी जब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होगा तभी समझ आएगा। उसके बाद हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया, रेडीमेड मीडिया है हमारे पास। ठीक है, शेप्स हैं इसके अंदर रेडीमेड ही, बनी बनाई हुई लाइव स्केचेस हैं, आर्टिस्टिक मीडिया है। और इसके अलावा जैसे मान लो ये हमने सेलेक्ट किया, इसके अंदर ब्रश स्ट्रोक्स हैं, फुटप्रिंट, इसके अलावा इसमें बनी बनाई ये शेप्स हैं हमारे पास। ठीक है, जो चाहिए पिकी, जहाँ पे हमने ड्रॉ ड्रॉ करेंगे वहाँ पे ये ड्रॉ हो जाएगी। ये देखो जैसे चाहिए, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना वहाँ पे हमें जरूरत पड़ जाती है इनकी। बाकी कलरिंग वगैरह हम खुद चेंज कर सकते हैं, हमारे पास कलर बॉक्स है यहाँ पे, कलर स्वेचेस। बनी बनाया हमारे पास मीडिया, और भी हमारे पास ऐसे इस तरह के पैचेस हैं। कलर तो इनका हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से, डिपेंड करता है हमारे दिमाग की क्रिएशन के ऊपर, हम क्या क्रिएटिविटी करेंगे। ठीक है, गूगल क्रोम का भी बना हुआ है ये देखो, सारे लोगोस बने हुए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का बना हुआ है, ये डब्ल्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बना हुआ है, पावर पॉइंट का बना हुआ है। ठीक है, विंडोज का लोगो बना हुआ है, विंडो XP का है, विंडो 10 का है, लोगो सारे के सारे यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा ये गूगल क्रोम का कैसे बनता है, विंडोज के कैसे बनते हैं लोगोस। ठीक है, जियो का कैसे बना है, जी सिनेमा का बना है, स्टार वर्ल्ड का बना है, AVVP का बना हुआ है, एनिमेशन बनी हुई है ना। तो पहले तो फिलहाल इसके बाद आता है हमारे पास ये रेक्टेंगल, इसका मैंने बता ही दिया कि इससे ये बनता है, रेक्टेंगल टूल बनता है। सबसे पहले मैं इनको अनडू कर देता हूँ, उसको हटा देता हूँ स्क्रीन से। इसके बाद हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर 3D पॉइंट रेक्टेंगल भी है, यानी कि तीन ही पॉइंट पे काम करेंगे। 4 पॉइंट है ना वैसे रेक्टेंगल के, 3 पॉइंट पे काम करना है। एलिप्सिस हैं, सर्कल, ठीक है, इन सर्कल से भी एनिमेशंस कैसे बनती है वो भी आपको समझ आ जाएगा बाद में। ये पॉलीगोनल है, पॉलीगोनल के अंदर भी हमारे पास अलग तरह की शेप्स हैं, स्टार शेप्स भी है। जब काम चलेगा इनके ऊपर तो वो समझ आ ही जाएगा आपको धीरे धीरे। इसके बाद हमने टेक्स्ट वगैरह ऐड करना हो तो इसे हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जहाँ पे भी हमने लिखना है वहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रही हैं, साइज वगैरह हमने यहाँ पे बढ़ाना हो। ठीक है, फॉन्ट वगैरह जैसे हम MS Word में चेंज करते हैं वैसे ही है यहाँ पे भी। यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हैं हम। डाइमेंशनल्स हैं, एक लाइन लाइन की डाइमेंशंस हैं। शैडो टूल भी है, एक हमारे पास ट्रांसपेरेंसी टूल रहेगा, एक आई ड्रॉपलर टूल रहेगा, और ये स्मार्ट फिल टूल रहेगा। जैसे एक कल हम कोई एक स्पेशल ड्राइंग बनाएंगे या गूगल क्रोम का लोगो बनाएंगे उसके ऊपर जैसे अप्लाई करेंगे तो इन सबकी वर्किंग समझ आएगी। फिलहाल थोड़ी बहुत जो इंट्रोडक्शन मैंने अभी बताई
वो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। ठीक है, बाकी तो जो हम वर्किंग करेंगे उसी से क्लियर होगा कि क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी था। कल हम फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसकी नेक्स्ट वर्किंग के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।